अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम अनबॉक्सिंग अनदर ड्रेस बाय मारिया बी। और प्राइस के लिए मैं पहले बता दूं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। इस वक्त जो है मुझे याद नहीं होता, ना ही इसके ऊपर कहीं मैंशन होता है, और जिस पर मैंशन होता है मैं ज़रूर बता देती हूँ। वेल, इसका कोड है D7 और अनस्टिच है ये फिलहाल। लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, ग्रीन कलर का ये ड्रेस है। पिक्चर में थोड़ा सा डार्क लग रहा है, असल में इसे थोड़ा सा लाइट है। और ये इसका सेंटर पैनल है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, लाइनिंग और ट्राउज़र का कपड़ा एक साथ दिया हुआ। ये पैरेट ग्रीन टाइप का है, बट शिफॉन थोड़ा सा अलग शेड है, और ये जो है लाइनिंग पैरेट ग्रीन है। पैरेट ग्रीन में भी डार्क एंड लाइट होता है, मीडियम है ये। और ये सैटिन सिल्क की जो है ट्राउज़र और लाइनिंग का कपड़ा एक साथ दिया हुआ। उसके बाद ये इसका फैब्रिक है बूटी वाला, जो कि फ्रंट और यानी कि फ्रंट के साइड पैनल्स और स्लीव्स का फैब्रिक है। देन इसका ये सेंटर पैनल है। इसके गले के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा काम हुआ है, सारा 3D फ्लावर्स हैं, डायमंडीज हैं, पर्ल्स लगे हुए काफ़ी करीब टचिंग है इसकी। ये सेंटर पैनल हो गया। उसके बाद इसके बॉर्डर हैं, एक ये आई थिंक स्लीव्स का है, और एक और बॉर्डर था। अच्छा, ये बॉर्डर जो है स्लीव्स का है। फैब्रिक जैसे मैंने बता दिया, यही बूटी वाला फैब्रिक, साइड पैनल्स आएंगे और वो आएगा फ्रंट के साइड पैनल्स और स्लीव्स आएंगे। और ये जो छोटा बॉर्डर है थोड़ा सा चौड़ाई में, ये वाला बॉर्डर है ये वाला। अब इसके नीचे जो है लंबाई इसकी ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी इस पिक्चर से, तो कम से कम लॉन्ग ही होगी। और इसके नीचे इन्होंने प्लेन ऑर्गेन्जा की फ्रिल बनाई हुई है, जो कि मुझे तो ऑनेस्टली नहीं अच्छी लग रही, बट सबकी चॉइस है अपनी। इससे बेटर होगा कि प्लेन ऑर्गेन्जा इसके नीचे लगा दें, या फिर ये जो है इसको ऐसे ही छोड़ दें तो भी ज़्यादा चलेगा। ये वाला जो ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर है ये स्लीव्स का है, बैक का कोई बॉर्डर नहीं। बैक का कपड़ा बिल्कुल प्लेन है, अलबत्ता ये बात है कि प्योर शिफॉन है ये। शिफॉन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट प्लेन शिफॉन है। तो ट्राउज़र एंड उसका फैब्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ट्राउज़र और लाइनिंग का फैब्रिक। उसके बाद है इसका दुपट्टा। दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत है। दुपट्टे के अंदर जो है सारे पंचेस बने हुए, और काफ़ी सारे काफ़ी बड़े बड़े और करीब करीब हैं। ये दो तरह के इसके अंदर बंचेस एंड बूटियां हैं। दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत है। और फिर दुपट्टे के जो है ऑल साइड पे इसके ये बॉर्डर्स हैं, जो कि सारे एप्लिक होंगे। एक साइड से एप्लिक होंगे और एक साइड से सिलाई के साथ लगेंगे। इसके नीचे जो है फैब्रिक उन्होंने वैसे नहीं लगाया हुआ, बट ये क्लाइंट की चॉइस है कि चाहिए कि नहीं चाहिए। उन्होंने सी थ्रू ही लगाया हुआ, सिर्फ यहाँ से लगा के आगे जो है वो बिल्कुल कटवर्क वो है। खैर, लेकिन इसके कटवर्क जो है फिर ऐसे हैं, पॉसिबल कि फैब्रिक लग सकता है अगर किसी को चाहिए, एप्लिक से लग जाएगा। एक और ड्रेस जो ग्रीन हेड कोड है, उसके स्कैलप ऐसे हैं कि वो फैब्रिक नहीं लग पाएगा, उसको बढ़ता हुआ ही लगाना होगा। और ये इसके पल्लों के बॉर्डर्स हैं। उसके बाद एक और पल्लों के बॉर्डर्स हैं जो कि बढ़ते हुए लगने हैं, ये एप्लिक होने हैं। एक्चुअली ये जो बंचेस हैं या बॉर्डर्स कहते हैं, ये यहाँ पर एप्लिक होंगे पूरे दुपट्टे के ऊपर, और वो जो बॉर्डर हैं जो मैंने दिखाए वो बढ़ते हुए लगेंगे इस तरह से। सो दैट्स इट। काफ़ी सिंपल सा कलर है। कलर जो है वो विंटर एंड समर के बीच का कलर है, और कलर अच्छा लग रहा है पिक्चर में। अगेन मैं बता दूँ, काफ़ी डार्क लग रहा है, असल में ऐसा नहीं है, अच्छा सटल सा कलर है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओवरऑल इट्स अ नाइस वन। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट्स अपना फीडबैक दीजिएगा। एंड प्राइस, अनस्टिच प्राइस के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर ये अनस्टिच प्राइस जस्ट चेक करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।